हेलो एवरीवन, मैं सौरभ कुमार विद्यामंदिर क्लासेस से आज आपके सामने एनटीएसी एग्ज़ाम नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम को पूरी तरीके से जो है डिकोड करेंगे और क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या पेपर का पैटर्न है, कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए बहुत ज़्यादा, क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में हम आपसे आज बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनटीएसई का क्या हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है, किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। तो देखिए, नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कराया गया एग्ज़ाम है। दिस एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वॉज स्टार्टेड इन 1961। ये इसलिए स्टार्ट किया गया था सो दैट द स्कूल एजुकेशन, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उस एजुकेशन को और क्वालिटी दी जा सके। एंड फिर क्या डिसाइड किया गया कि इसमें से हम 2000 बच्चों को जो है स्कॉलरशिप देंगे। बट चीज़ें चेंज होती गईं, स्कॉलरशिप्स बढ़ती गईं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब इसमें ट्रांसफॉर्म हो गई। ये बात मैं कर रहा हूँ 1961 की। और अब ये एग्ज़ाम पूरे देश में कराया जाता है और दिस एग्ज़ाम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्ज़ाम, बिकॉज जब बच्चा 10th में होता है तो उसी समय वो इस अचीवमेंट को ले सकता है और अपने लाइफ टाइम इस अचीवमेंट को अपने करिकुलम वाइटे, अपने रिज्यूमे, अपने प्रोफाइल में बता सकता है कि जब मैं 10th क्लास में था तभी मैंने NTSE का एग्ज़ाम को क्लियर किया था, राइट? तो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन एग्ज़ाम ही है, यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं है, रिटन एग्ज़ाम है। और रिटन एग्ज़ाम में सिलेक्शन प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आपको स्टेज 1 NTSE देना होगा जब आप 10th क्लास में होते हैं, उसी के नवंबर के फर्स्ट संडे को। ध्यान रखिए, नवंबर के फर्स्ट संडे को NTSE स्टेज 1 का एग्ज़ाम होगा। नवंबर के फर्स्ट संडे को NTSE का एग्ज़ाम होगा और जितने बच्चे स्टेज 1 को क्वालिफाई करेंगे वो स्टेज 2 का एग्ज़ाम लिखेंगे। जितने बच्चे इसको क्वालिफाई करेंगे वो स्टेज 2 का एग्ज़ाम लिखेंगे। स्टेज 2 का एग्ज़ाम मई के महीने में होता है, इट इज़ इन द मंथ ऑफ मई, राइट? सो स्टेज 1 इज़ इन द ऑन फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर, स्टेज 2 इज़ इन द मंथ ऑफ मई। दिस ईयर इट वॉज लिटिल बिट डिलेड बिकॉज ऑफ द लोकसभा इलेक्शंस। तो कोई अगर ये सोच रहा है कि 2019 में स्टेज 2 मई में नहीं हुआ था, जून में हुआ था, तो उसका रीज़न ये था कि दिस ईयर देर वॉज लोकसभा जनरल इलेक्शंस, बिकॉज ऑफ विच दिस कुड नॉट बी डन, राइट? सो दिस इज द वे इट इज़ ए 2-stage एग्जाम। स्टेज 1 वेन यू आर इन 10th टेक्निकली, एंड स्टेज 2 इज वेन टेक्निकली यू आर इन 11th बेसिकली, क्योंकि आप मार्च के बाद 11th में आ जाएंगे तो अप्रैल मई 11th में आप जो है एग्जाम दे रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? जितने बच्चे, जो भी बच्चे क्लास 10th में इस समय हैं, चाहे वो किसी भी स्कूल में हो, चाहे वो सर्वोदय विद्यालय में हो, चाहे वो नवोदय विद्यालय में हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय में हो, चाहे वो सैनिक स्कूल में हो, चाहे वो पब्लिक स्कूल में हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में हो, किसी में भी हो, 10th क्लास के बच्चे जो हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंडियन सिटीज़न हैं और इंडियन स्कूल अब्रॉड में पढ़ रहे हैं, जैसे काफ़ी सारी कंट्रीज़ में क्या है, इंडियन स्कूल्स हैं CBSE के, राइट? जैसे दुबई है, सिंगापुर है, मलेशिया है, बहुत सारे हैं, बहरीन हैं, तो यहाँ पर इंडियन स्कूल्स हैं, तो वो बच्चे भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं जो क्लास 10th में है, राइट? तो क्लास 10th में जो भी बच्चा है वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डेट ऑफ एग्ज़ाम जो है 3rd November इस बार होने जा रहा है, क्योंकि नवंबर का फर्स्ट संडे जो है वो 3rd है। और थोड़ा सा चेंजेस हैं इसमें कुछ, देखिए असम, ये मेघालय, ये जो अंडमान निकोबार, इनमें हमेशा एक दिन पहले होता है एग्ज़ाम, तो ये हमेशा जो है नवंबर के फर्स्ट सैटरडे को होगा, तो ये 2nd को होगा, ठीक है? और कुछ स्टेट्स में अगर आप देख रहे हैं कि बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और NCERT ऑफ दिल्ली, ये एग्ज़ाम जो है इस साल 17th November को कर दिया गया है। वैसे ये हर साल उसी सबके साथ साथ ही होता है, इस बार इसको बढ़ा के 17 November को कर दिया गया है। उसका रीज़न ये है कि जो 3rd November है उसको इस बार जो ये स्टेट्स हैं बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर एक फेस्टिवल होता है, छठ का फेस्टिवल उसको कहते हैं, वो फेस्टिवल इसके साथ कोइंसाइड हो रहा है, तो इसलिए जो है इसको आगे शिफ्ट कर दिया गया है, राइट? तो ये एग्ज़ाम इस बार इन स्टेट्स में 17 November को होगा, बाकी सारे स्टेट में
3 नवंबर को होगा, और जो यूनियन टेरिटरीज मैंने मेंशन की हुई हैं ये मेघालय अंडमान निकोबार एटसेट्रा, यहाँ पे ये 2 नवंबर को होगा, राइट। तो ये हो गई डेट ऑफ एग्जाम। अब बात करते हैं एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। एग्जाम का पैटर्न ऐसा होगा कि 2 पेपर होते हैं, एक होता है मेंटल एप्टीट्यूड का और एक होता है स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड का। मेंटल एप्टीट्यूड को हम MAT कहते हैं और स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड को हम SAT कहते हैं। तो मेंटल एप्टीट्यूड में भी 100 क्वेश्चन आएंगे और स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड में भी 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मेंटल एप्टीट्यूड में भी 100 क्वेश्चन आएंगे और स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड में भी 100 क्वेश्चन आएंगे। मेंटल एप्टीट्यूड में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके के क्वेश्चन होंगे। मेंटल एप्टीट्यूड में MAT में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके के क्वेश्चन होंगे। स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड में जो है साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस, इन तीनों के क्वेश्चन होंगे, राइट। साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस। तो एक बार जरा देखते हैं, आप देखिए जरा बोर्ड की तरफ कि जो है कितने क्वेश्चन किस में होंगे। तो MAT की बात हमने कर ली कि MAT में 100 क्वेश्चन हो गए, MAT में 100 क्वेश्चन हो गए और ये 100 क्वेश्चन जो है वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों के हो गए मिला के। अब हमारी बात आती है SAT की। SAT में भी कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, राइट। अब 100 क्वेश्चन में कैसे डिविजन है, 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन हैं सोशल साइंस के, 40 क्वेश्चन हैं साइंस के और 20 क्वेश्चन हैं मैथ्स के, 20 क्वेश्चन हैं मैथ्स के, राइट। तो साइंस में कैसे है, 40 क्वेश्चन का डिवीजन कैसे है, 13 क्वेश्चन है फिजिक्स के, 13 क्वेश्चन है केमिस्ट्री के और 14 क्वेश्चन है बायो के। तो इस तरीके से 40 क्वेश्चन जो है वो साइंस के डिवाइडेड हैं, राइट। तो 13 क्वेश्चन फिजिक्स, 13 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 14 क्वेश्चन बायोलॉजी, 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और 40 क्वेश्चन SST। SST जब मैं बात कर रहा हूँ तो SST से मेरा मतलब है हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, एंड इकोनॉमिक्स। तो ये 4 सेगमेंट में SST बटा हुआ है और साइंस बटा हुआ है। इस तरीके से जो है हमारे पास 200 क्वेश्चन हैं और दोनों ही सेक्शन जो हैं इसके लिए भी आपको 2 आवर्स मिलेंगे करने के लिए, यानी 120 मिनट्स। और SAT के भी 100 क्वेश्चन हैं, इसके लिए भी आपको 2 आवर्स मिलेंगे यानी 120 मिनट्स मिलेंगे। तो यानी ये पेपर जो है ये 4 घंटे का पेपर हो गया, जिसमें 2 घंटे में मेंटल एप्टीट्यूड है और 2 घंटे में स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड है, 2 घंटे का MAT है और 2 घंटे का SAT है, राइट। तो दिस इज द पैटर्न ऑफ द NTSE एग्जाम Stage 1, विच इज नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, राइट राइट। नाउ लेट अस सी हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, राइट। अब देखिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं, 9th में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, 10th में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, किस कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, राइट। अब देखिए Stage 1, देखिए ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे बच्चे जो सुन रहे हैं, पेरेंट्स सुन रहे हैं, अगर कोई टीचर्स हैं वो सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं बहुत ध्यान से समझिए। Stage 1 जो है वो तो जिस स्टेट को आप बिलोंग करते हैं या जिस यूनियन टेरिटरी को आप बिलोंग करते हैं वो कंडक्ट कराता है। सपोज करिए कि कोई बच्चा नोएडा में रहता है तो वो उत्तर प्रदेश UP जो है उसका एग्जाम कराएगा, गलती ना हो इसलिए मैंने नोएडा एग्जाम्पल लिया कि दिल्ली NCERT के चक्कर में लोग सोचते हैं दिल्ली तो नहीं कराएगा, नहीं, नोएडा में आप हैं तो UP आपका कराएगा, गुड़गांव में आप हैं तो हरियाणा आपका कराएगा, बेंगलोर में आप हैं कर्नाटका आपका कराएगा, राइट। आप अगर अंडमान निकोबार में हैं तो अंडमान निकोबार कराएगा, आप अगर अहमदाबाद में हैं गुजरात कराएगा। स्टेज टू जो आपको बताया मैंने मई में होता है, मई के महीने में होता है, वो नेशनल लेवल का होता है और उसको नेशनल अथॉरिटी कराती है जो CBSE NCERT है, राइट। तो जो
स्टेज टू है वो सारे बच्चों के लिए सेम है, स्टेज वन सारे बच्चों के लिए स्टेट वाइज डिफरेंट है। यूपी के बच्चों का एक पेपर है, हिमाचल के बच्चों का एक पेपर है, आंध्रा के बच्चों का एक पेपर है, तमिलनाडु के बच्चों का एक पेपर है, चंडीगढ़ के बच्चों का एक पेपर है, राइट। तो और क्या कहते हैं, दादर नागर हवेली के बच्चों का एक पेपर है। तो जो स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी है वो अपना एग्जाम अलग अलग कराएगी, पर स्टेज टू जो है वो नेशनल लेवल पे एक एग्जाम होगा, राइट। तो हम लोग कुछ जो हमने लास्ट के 10 साल के पेपर एनालाइज किए सारे स्टेट्स के, और हमने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए, तो जो हमें दिख रही हैं ख़ास तौर से साइंस के लिए अगर हम लोग ख़ास तौर से बात करें, तो ये टॉपिक्स जो हैं आप देखिए आपकी स्क्रीन के सामने आ रहे हैं, ये टॉपिक्स साइंस में ऐसे हैं जो आपको करने ही पड़ेंगे, इनको आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। इनके बारे में आप छोड़ने के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, राइट। आपको करना तो सब कुछ है, बट आप कहिए कि लास्ट के एक महीने में हम, लास्ट के 15 दिन में हम क्या रिवाइज करें, तो मैं कहूँगा लास्ट के 15 दिन में आप ये रिवाइज करिए, लास्ट के 10 दिन में क्या रिवाइज करें, आप ये टॉपिक रिवाइज करिए, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट रिवाइज करिए, आप लाइट रिवाइज करिए, है ना। तो जो ये टॉपिक्स जितने आपके सामने आ रहे हैं इनको आप अच्छे से रिवाइज करिए, जितने भी साइंस के टॉपिक्स ये हैं, राइट। अब हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स के, तो मैथमेटिक्स में देखिए ये टॉपिक्स हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन में स्पेसिफिकली कहूँगा कि मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, बट ये जितने भी मैंने 8 टॉपिक आपके सामने लिखे हैं ये 8ों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इस पर जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसको आप करिए, राइट। देन हम बात करते हैं मेंटल एप्टीट्यूड की। मेंटल एप्टीट्यूड इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि वहाँ पे ये बताना बड़ा टफ है कि कौन सी चीज़ें करनी है ना। बट जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये करीब 8 टॉपिक ये हैं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। तो जब आप वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग की कोई भी किताब पढ़ते हैं या आपको कोई टीचर पढ़ाता है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, क्लासिफिकेशन जो है ना, इमेज, फिगर, ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेंगे कि इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट। तो इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे टॉपिक्स पे से आप क्वेश्चंस करिए, अगर अभी तक आपने नहीं किए हैं तो ज़रूर इन टॉपिक्स पे छांट के क्वेश्चंस आप करें। कोई भी किताब आप मेंटल एप्टीट्यूड की ले सकते हैं और वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। अब बात आती है सोशल साइंस की। सोशल साइंस में क्या है कि ये एक बेसिकली बहुत वाइड टॉपिक है, बहुत वाइड टॉपिक है, क्योंकि आप 4 सब्जेक्ट इसमें पढ़ते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, और इन 4 टॉपिक्स हर स्टेट में ये थोड़ा सा डिफरेंट भी हैं। मान लीजिए यूपी में कुछ डिफरेंट हैं, दिल्ली में कुछ डिफरेंट हैं, हरियाणा में कुछ डिफरेंट होंगे, केरला में कुछ डिफरेंट होंगे, अरुणाचल प्रदेश में कुछ डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे स्टेज वन के लिए तो कोलेट करना काफ़ी टफ होता है, स्टेज टू की बात करें तो हम इसको कोलेट कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो आज का ये वीडियो है ये स्टेज वन के लिए है, क्योंकि जो 3 महीने बाद होने जा रहा है, स्टेज टू का हम वीडियो नवंबर के बाद रिलीज़ करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये आपको स्टेज वन के बारे में बता रहे हैं। तो फिर भी अगर हमने जो एक लिस्ट बनाने की कोशिश की अपनी सोशल साइंस की टीम के साथ कि हम कौन कौन से टॉपिक्स लें, तो हमने कुछ कुछ ये टॉपिक्स देखे कि जो सोशल साइंस में जो हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट हैं या जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए कि एनटीएसए की कट ऑफ जो है 200 क्वेश्चन है, 200 नंबर का पेपर है, 200 क्वेश्चन है, 200 नंबर का पेपर है, कट ऑफ 160-170 के आसपास जा रही है, कट ऑफ जो है ना 160-165 ऐसे जाती है। तो आप ये समझिए कि स्कोर करना मतलब ईजी पेपर है, ठीक है, आप जानते हैं चीज़ें, मेंटल एप्टीट्यूड में सब लोगों के खूब अच्छे नंबर आते हैं। कौन आपको परेशान करता है, कौन रोक लेता है स्कोर करने से? सोशल साइंस रोकती है आपको स्कोर करने से, क्योंकि हम लोग जो साइंस के बच्चे हैं हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ये सब तो पढ़ लेते हैं और अपने जनरल आईक्यू से मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी कर लेते हैं, बट हम सोशल साइंस पढ़ना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारा एनटीएसई का एग्जाम खराब होता है, हमारी बोर्ड में भी परसेंटेज कम आती है। तो मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगा, जो भी बच्चे, टीचर, पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कि एसएसटी को पढ़िए, सीरियसली पढ़िए, कम से कम 1 घंटा दिन में डेली दीजिए एसएसटी को पढ़ने के लिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी और यही आपको बचा के जो है ले जाएगा स्टेज वन में भी और स्टेज टू में भी, और ख़ास तौर से आपके क्लास 10th के बोर्ड के मार्क्स में भी।
तो मैंने आपको ये टॉपिक्स बताए, इसके अलावा मैं इसके ऊपर पूरा जितना मैंने इस वीडियो में बोला है इसको मैं पूरा एक डॉक्यूमेंट बना के ब्लॉग पर भी, आपको विद्या मंदिर के ब्लॉग पर भी हम पोस्ट कर देंगे। विद्या मंदिर के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उस वीडियो को देख रहे हैं उनके पास ये सारा मटेरियल जो है अवेलेबल है। हमने आपको मैट के भी मॉड्यूल्स अवेलेबल कराए हैं, हमने एसएसटी के मॉड्यूल्स भी अवेलेबल कराए हैं, और आपके पास जो है टेस्ट सीरीज भी हमने एनटीएससी की स्टार्ट कर रहे हैं हम अगस्त से, और उसके अलावा जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी की तो बुक्स आपके पास हमने अवेलेबल कराई हैं। अगर बाहर के कोई बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको हम बता दें कि वो हमारा जो है हमारी वेबसाइट से जो है एनटीएससी का करस्पॉन्डेंस कोर्स भी ले सकते हैं और हमारी एनटीएससी की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि उनको किसी हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो वो इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको किसी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है एनटीएससी एग्जाम को लेके तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं saurabh.kumar@vidyamandir.com पे। आप कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा, और जितना भी जो पूरी डिटेल्ड एनालिसिस है सेक्शन वाइज टॉपिक वाइज कितने आते हैं क्या आता है क्वेश्चन कैसे, ये आप हमारे ब्लॉग में एक वीक के अंदर जो है jee.vidyamandir.com पे लॉग ऑन करके इस ब्लॉग के अंदर इस एग्जाम की पूरी पूरी जानकारी ले सकते हैं। राइट, तो इसी के साथ मैं साइन ऑफ करता हूं, और सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको विद्या मंदिर क्लासेस की तरफ से जो है ऑल द बेस्ट कहता हूं कि आप जो हैं फ्लाइंग कलर्स के साथ इस साल एनटीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करें। आपको जो भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है वो आप हमसे ले सकते हैं, मैंने आपको कम्युनिकेशन के सारे ज़रिए बता दिए हैं। ठीक है, और इसी के साथ हम इसको ख़त्म करते हैं वीडियो को, और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।